हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है दिल तो पागल है दिल दीवाना है। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो करें शुरू। तो मूवी की कहानी शुरू होती है शाहरुख और करिश्मा से, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों डांस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और डांस बेस्ड म्यूजिकल प्ले करते हैं। वो एक दिन अनाउंस करता है कि उसे माया नाम का म्यूजिकल प्ले करना है। सब लोगों को इस प्ले पर डाउट होता है क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है वो ट्रू लव में बिलीव करता है और प्रिंस चार्मिंग का वेट करती है वगैरह वगैरह। इस कैरेक्टर के लिए करिश्मा सिलेक्ट भी होती है। वो शाहरुख खान को लाइक कर रही होती है। माधुरी जो कि ऑर्फन होती है और अपने अंकल आंट के साथ रहती है, वो एक पैशनेट और ट्रेंड डांसर होती है। वो ट्रू लव में बिलीव करती है। उनका बेटा अजय उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड भी होता है, वो माधुरी को लाइक करता है। अजय जो कि लंदन में रह रहा होता है और वो उसे घूमने के लिए जर्मनी लेके जाता है, लेकिन जाते वक्त एयरपोर्ट पर वो माधुरी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त करिश्मा गिर जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो कुछ महीने तक डांस नहीं कर सकती, इसलिए उसे अर्जेंट एक डांसर की ज़रूरत होती है। एक दिन वो माधुरी को डांस करते वक्त देखता है और उसे वो रोल के लिए परफेक्ट लगती है। पहले माधुरी नहीं बोलती है पर बाद में वो तैयार हो जाती है। वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ दिन बाद जब करिश्मा हॉस्पिटल से वापस आती है तब उसे बुरा लगता है कि उसे रिप्लेस किया है और माधुरी से जेलस भी होती है। उसे आइडिया आ जाती है कि शाहरुख माधुरी को लाइक करता है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए लंदन चली जाती है। रिहर्सल्स के बीच शाहरुख और माधुरी एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और ऐसे बहुत मोमेंट्स होते हैं। एक शादी में वो दोनों इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं पर एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते। करिश्मा वापस आने के बाद शाहरुख को दुखी देखती है। तब वो शाहरुख को बताती है कि जब उसने उसे प्यार नहीं किया तो उसे कैसा लगा। कुछ दिनों बाद अजय रिहर्सल हॉल में आके सबको अपनी और माधुरी की शादी की बात बताकर सरप्राइज करता है। शाहरुख को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। शाहरुख प्ले का एंडिंग चेंज कर देता है जो कि उसका हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि उसके प्ले की हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। प्ले का दिन आता है। प्ले के दिन अजय, जिसने माधुरी ने शाहरुख के लिए अपना प्यार टेप किया होता है, वो सुन लेता है और स्टेज पर प्ले करता है। माधुरी को शाहरुख के पास जाने के लिए कहता है। दोनों स्टेज पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताते हैं। प्ले और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अजय भी करिश्मा से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिससे पता चलता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी अच्छी है, म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है और मूवी भी सुपर हिट है। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो करें, और बहुत सारे मूवीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।